This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा टेंथ यानी कि क्लास टेंथ के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर कितना पढ़ा था, यानी कि आप बहुत अच्छे से करते हो कि सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठते हैं पूरी क्लास के अंदर, और सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ करते हैं, पोल सेक्शन के अंदर करते हैं। अब जिस बच्चे को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन किया, उनको हम क्लास के अंदर समझा देंगे। आप तब पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ आंसर वोट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। साहिल, हम आप ही के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही ने पहली बार क्लास ज्वाइन की है। देखिए, हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि आप जानते हो ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये सारी चीजें स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने जोड़ के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि हमने एडिशन के बारे में पढ़ लिया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर घटाव के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, और हमने गुणा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमने मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास होगी हमारी किसके ऊपर होगी, भाग के ऊपर, की संख्याओं को यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को एक दूसरे से कैसे भाग करते हैं, ठीक है। यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं को या पूर्ण संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी लास्ट क्लास तक, हमने जोड़ पढ़ लिया था, हमने घटाव पढ़ लिया था, और हमने गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो, जोड़ के अंदर आप सभी बच्चों को कुछ चीजें याद रखनी थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे। क्या चीज कि सर, सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम दो या दो से अधिक हम अगर प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर हमने दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा, तो जो हमारा जुड़ने के बाद आंसर आता है सर, वो भी एक क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। या फिर अगर सर हमने पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है, तो सर जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो एक पूर्ण संख्या ही आता है। यानी कि जोड़ में सर ट्रू होता है, यानी कि बात सत्य है कि अगर आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका आंसर प्राकृतिक संख्या आएगा, और अगर आप दो या दो से अधिक पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो आपका आंसर पूर्ण संख्या आएगा। सबसे जरूरी बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी क्या चीज याद रखनी है, अगर आप सभी से पूछा जाए तो आप सभी हमें क्या बताओगे, अगर आपसे पूछा जाए बताइए 2+4 कितना होता है, बताइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर 2+4 कितना होता है, जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखेंगे 2+4 कितना होता है, जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। यानी कि सभी बच्चों ने कहा सर 2+4 तो 6 होता है। और अगर आपसे हम उल्टा पूछ ले, बताइए जरा 4+2 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 4+2 कितना होता है, जल्दी से। आप कहोगे सर ये कैसी बात है, सर 4+2 और 2+4 दोनों एक ही तो चीज होती है, और दोनों ही सर किसके बराबर है, आप कहोगे सर दोनों ही 6 के बराबर है। इतना सभी को पता लग गया है, यानी कि आपने कहा सर 4+2 भी कितना होगा, 6। यानी कि यहां से हम लोग क्या सीखे, यहां से हम लोग सीखे यदि a प्लस बी लिखा जाए तो किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। ये सारी चीज क्लियर है ना बच्चे आपको, कि जो a प्लस बी होगा वो b प्लस a के बराबर होगा। क्या ये क्लियर है आपको भाई, अगर a प्लस बी कोई भी संख्या है, आपने लिखा सर 10+7 है, तो क्या हम इसको 7+10 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर, दोनों ही केस में क्या हमारा आंसर आएगा, सर दोनों ही केस में हमारा आंसर कितना आएगा, सर यहाँ भी 17 आएगा और सर यहाँ पर भी 17 आएगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज क्लियर है। सर हमें और क्या चीज याद रखनी है जोड़ के बारे में, जोड़ के बारे में हमें दो चीजें और याद रखनी है भाई। दो तो ये हो गई, एक ये हो गई कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ होता है सर, वो भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है, बहुत जरूरी है याद रखना है। फिर सर हमारे पास में a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, सर ये भी जरूरी है, ये भी हमें याद रखना है। देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या याद रखा है हमें जोड़ के अंदर, सर तीसरा पॉइंट जोड़ के अंदर ये याद रखना है, जैसे कि कहीं लिख दिया जाए 732 प्लस, आपके बारे में लिख दिया जाए प्लस 28, तो आपको क्या करना है बच्चे, आप कहोगे सर 732 तो हमने ऐसे लिखा, सर ये इकाई का अंक, सर ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक। तो सर इसी तरह से हम 8 को इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे और 2 को दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे, और सर तब हम जोड़ेंगे। 8 तो 10, सर एक हमने हासिल लगा दिया, 3 दो 5 और 1 6, और ये कितना हो गया हमारे पास में 7। आप कहोगे सर आंसर कितना हो गया हमारे पास में 760। याद रखने वाली क्या बात है, आप कहोगे सर याद रखने के लिए ये बात है कि सर इकाई के अंक के नीचे हम इकाई का अंक और सर दहाई के अंक के नीचे हम दहाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक के नीचे हम दहाई का अंक लिखेंगे, ठीक है बच्चे। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, सर चौथा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि सर तीन पॉइंट तो हमें क्लियर है, चौथा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि सर अगर किसी भी संख्या के अंदर, जैसे 5 के अंदर 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 ही आएगा, या फिर 0 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 7 ही आएगा। यानी कि हमें ये भी याद रखना है साथ में कि a प्लस जीरो
बराबर ए होता है, और जीरो प्लस ए बराबर कितना होता है ए। ए यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, ए क्या हो सकती है यहाँ पर, ए कोई भी संख्या हो सकती है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर अगर हम पांच के अंदर जीरो जोड़ेंगे तो सर पांच आएगा, और सर हम जीरो के अंदर सात जोड़ेंगे तो सात आएगा। यानी कि हम किसी संख्या के अंदर जीरो जोड़े तो सर वही संख्या आएगी, या फिर जीरो के अंदर कोई संख्या जोड़े तो भी वही संख्या आएगी। ठीक है, चलिए हमने जोड़ के बारे में सारी चीजें सीख ली थी। ठीक है, अब जोड़ के बारे में हमें पांचवा चीज क्या याद रखना है भाई, चार चीजें हो गई, पांचवी चीज हमें और याद रखनी है जोड़ के बारे में। क्या चीज याद रखनी है पांचवी? पांचवी चीज हमें याद रखनी है सर, हमने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी। वर्ड प्रॉब्लम में सर हमने ये सीखा था कि बताइए वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमने सर कुछ ऐसा पढ़ा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो पांच से सात अधिक है, पांच से सात अधिक है। तो आपने इस केस में क्या किया था, आपने कहा सर वह संख्या ज्ञात करनी है जो पांच से सात अधिक हो, पांच से सात अधिक हो। तो भाई हमने गिनती से सीखा था, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। आपने कहा सर मुझे पांच से सात अधिक जाना है, सर पांच से मुझे सात अधिक, एक अधिक दो अधिक तीन चार पांच छ सात, सर जो पांच से सात अधिक है वो बारह है। सर हमने इसको ऐसा सीखा था कि सर इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम होंगी तो हम ऐसे कर लेंगे, सर सात के अंदर हमने पांच जोड़ दिया, या फिर सर पांच से सात अधिक जाना है, तो सर दोनों ही केस में आंसर कितना आ गया हमारा, बारह। यानी कि इस केस में हमें दोनों संख्याओं को जोड़कर आंसर निकालना होता है। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घटाव की तरफ। अब हम कहां पर चलते हैं? अब हम चलते हैं घटाव की तरफ कि सर हमने एडिशन में पांच चीजें पढ़ी थी और सारी सारी चीजें हमें रिवाइज कर ली है। साहिल बच्चे बताइए आपको क्या डाउट है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछिए। साहिल बताइए बच्चे क्या डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे, देखिए अगर आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है साहिल, अगर ऐसी बात है कि आपको नहीं समझ में आया है तो अभी के लिए थोड़ी सी देर के लिए आप रुकिए, कि आपको हम क्लास के बाद में थोड़ा सा समझा देंगे, क्योंकि आज आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझाया जाएगा, तो आपको क्लास के 10 मिनट बाद में समझा दी जाएगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए साहिल अभी हम भाग सीखेंगे, तो आप भाग की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करना कि आपको भाग समझ में आ जाने चाहिए। तो हम पिछली क्लासों का रिवाइज कर रहे हैं जो बच्चे सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होना है, क्लास के बाद हम आपको समझा देंगे। देखिए अगर हम घटाव की बात करें तो सर घटाव में सबसे पहला पॉइंट, सर अगर हम एक प्राकृतिक संख्या में से एक प्राकृतिक संख्या घटाएं, या फिर सर एक पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है बच्चे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या घटाएं तो प्राकृतिक संख्या आ जाए। जैसे कि आपने पांच में से पांच घटाया, भाई ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, पर सर घटाया तो जीरो आया, सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या को घटाओ तो आपका आंसर प्राकृतिक संख्या आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर ऐसा ही हमारे पास में क्या है, पूर्ण संख्या के साथ में, कि सर जरूरी नहीं है कि हम एक पूर्ण संख्या में से सर एक पूर्ण संख्या को घटाए तो सर हमारा आंसर एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि माइनस के पास तो पूर्ण नहीं होता, ये तो एक पूर्णांक होता है। क्या इतना सभी को क्लियर है? बताइए बच्चे एक बार, क्या इतना क्लियर है आपको कि सर जरूरी नहीं है कि आप एक प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या घटाओगे तो प्राकृतिक संख्या आ जाए, और सर अगर एक पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाओगे तो एक पूर्ण संख्या आ जाए, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे, सर दूसरा हमें क्या याद रखना है? सर दूसरा हमें ये याद रखना है कि सर अगर हम किसी संख्या में से जीरो को घटाएं, सर जैसे कि हमने घटाया सर पांच में से हमने जीरो को घटाया, सर अगर हमने किसी संख्या में से जीरो को घटाया तो सर हमारा आंसर पांच ही आएगा। यानी कि सर a माइनस जीरो बराबर a होता है, लेकिन पर सर जोड़ की तरह इसमें ये बात सत्य नहीं होती कि सर अगर हमने जीरो में से सात घटा दिया तो क्या सात आएगा, आपको कहोगे नहीं सर जीरो में से सात घटाएंगे तो सात नहीं आएगा। यानी कि सर अगर जीरो में से a को घटाएंगे तो क्या a आएगा, आपको कहोगे नहीं सर। हाँ अगर आपने पांच में से जीरो को घटाया तो आपका आंसर पांच आएगा, यानी कि आप लिखोगे सर a में से जीरो को घटाया तो आंसर a आएगा।
लेकिन पर सर अगर उल्टा लिख दिया जाए कि सर जीरो में से सात को घटाया तो आंसर सात आएगा, आपको भी नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सर जीरो में से ए को घटाए तो क्या ए आएगा, आपको भी नहीं सर, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ आपको? क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आप सभी को? हाँ, क्या सर हम जीरो में से सात को नहीं घटा सकते? ये सब चीजें सीखेंगे हम सीखेंगे थोड़ा सा चैप्टर के आगे। ठीक है, लास्ट अगली अगली सॉरी लास्ट बोले थे सॉरी अगली दो तीन क्लास के अंदर ये भी सीख जाएंगे कि जीरो में से सात को घटाएंगे तो कितना आएगा। चलिए, अब आप कहोगे सर हमें ये सीख लिया और हमने ये सीख लिया, ठीक है, अब देखिए हमें क्या चीज और सीखनी है घटाव के अंदर। आप कहोगे सर घटाव के अंदर हमें सर ये भी सीखना है कि सर अगर कहीं लिखा है 732 माइनस 18, 732 माइनस 18, तो आपको क्या चीज सीखनी है बच्चे? आपको ये चीज सीखनी है कि आपने लिखा है 732 और आपने घटाया 18, यानी कि फिर से वही बात है, आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखोगे, ढाई के अंक के नीचे ढाई का अंक, और सैकड़े के नीचे आप किसका अंक लिखोगे? सैकड़े का अंक लिखोगे। जब आपने घटाया तो आपको याद ये रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हो, आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हो। अब आप कहोगे सर दो में से आठ तो नहीं जा सकते। जब बच्चे दो में से आठ नहीं जा सकते तो आप क्या करोगे? आप पास वाली संख्या से बोरो ले लोगे, उधार ले लोगे। सर ये तो बन गया मेरे पास में दो, सर ये तो बन गया दो क्योंकि इसने एक उधार दे दिया, और सर ये बन गया 12। सर 12 में से 8 गए कितने बचे? आप कहोगे सर 4 बचे, कितने बचे? 4। इसी तरीके से अब आप क्या कहोगे? सर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 1 बचेगा, और सर 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना बचेगा? 7। आप कहोगे सर कितना बचा? 714। कितना बचा? 714। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर था एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है, जल्दी से सभी बच्चों को अगर क्लियर तो जल्दी से अगर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, देखिए यही चीज हमें किसके अंदर सीखनी है? यही चीज सर हमें जीरो वाले केस में भी सीखनी है। अगर मान लीजिए आपको घटाने के लिए दे दिया जाए, क्या घटाने के लिए दे दिया जाए कि सर मेरे पास लिखा है 3002, कितना लिखा है मेरे पास में? मेरे पास में लिखा है 3002, और उसमें से आपको कितना घटाना है भाई? उसमें से आपको घटाना है 18। तो कैसे घटाओगे? चलो 18 नहीं घटाते, 78 घटा लेते हैं। कितना घटा लेते हैं? 78। जब आप घटाओगे आप कहोगे सर अभी याद किया था कि हमेशा ऊपर से नीचे घटाते हैं। सर दो में से आठ नहीं घटेगा, क्या दो उधार रहने गया जीरो के पास? क्या जीरो उधार दे पाएगा? आपको भी नहीं दे पाएगा सर, जीरो के पास तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से फिर ये दूसरे जीरो के पास जाएगा, ये भी उधार नहीं दे पाएगा। फिर ये और आगे जाएगा, यानी कि इसने 3 से उधार लिया, और ये 3 तो कितना बन गया? 2, और 3 ने इसको 1 उधार दिया तो कितना बन गया? 10। अब देखो 10 आगे वाले को उधार देगा, यानी कि कितना बन गया? आप कहोगे कि सर ये तो बन गया 9, ये कितना बन गया? 10 तो बन गया 9, क्योंकि इसने एक नंबर आगे उधार दे दिया। भाई इसने क्या करा? एक नंबर आगे उधार दे दिया, यानी कि 10 तो बन गया 9, सर ये बन गया 10। अब क्या होगा सर? अब सर ये 10 क्या बनेगा? फिर से 9 बन जाएगा, और एक संख्या आगे उधार दे देगा। सर 12 में से 8 गए कितने बचे? 4। सर 12 में से 8 गए कितने बचे? 4। अब क्या करेंगे? सर ये हमारे पास में 9 है, सर 9 में से 7 गए कितने बचेंगे? आपने कहा 2। सर 9 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, सर ये जो मेरे पास में 9 है इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 रहेगा, और सर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना रहेगा? 2 रहेगा, यानी कि आप कहोगे सर 2924। कितना रहेगा बच्चे? 2924। भाई आपने 3002 में से आपने 78 घटाया तो आपका आंसर कितना जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर 2924। कितना जाएगा बच्चे? 2924। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, सभी को इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। सर हमें और क्या याद रखना है घटाव के अंदर? बच्चा घटाव के अंदर हमें एक चीज और याद रखनी है। भाई ये चार चीजें हमारे पास में हो गई, हमें एक चीज और याद रखनी है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम और कराई गई थी बच्चे, क्या चीज आपसे पूछा गया था? बताइए 5 2 से कितना अधिक है? 5 2 से कितना अधिक है? तो बच्चे आपको क्या करना है? आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से गिनती चलती रहेगी। सर पूछा गया ये जो 5 है ये 2 से कितना अधिक है? आपने कहा सर 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक, यानी कि जो 5 है वो 2 से 3 अधिक है। आंसर कैसे निकलेगा? आपने कहा सर 5 में से मैं 2 को घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा।
यानी कि अब आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए बताइए 644 35 से कितना अधिक है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पूछा गया है किसके बारे में, बताओ कि जो 644 है वो 35 से कितना अधिक है। आप कहोगे सर घटा देंगे भाई, 644 में से 35 घटा दिया। आपने कहा सर चार में से पांच तो नहीं जा सकते, जब चार में से पांच नहीं जा सकते आपने कहा सर ये तीन हो गया और ये 14 बन गया। सर 14 में से पांच गए, सर नौ बचेंगे, 14 में से पांच गए नौ बचेंगे। सर तीन में से तीन गया, आप कहोगे सर तीन में से तीन गया तो जीरो बचेगा, और सर ये छह, यानी कि आप कहोगे सर जो 644 है वो 35 से कितना अधिक है, वो 35 से 609 अधिक है। कितना अधिक है, 609 अधिक है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, एक बार बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए हमें कि सर मेरे कोई डाउट है। ठीक है साहिल, आपको भी समझ में आ जाए तो ठीक है, बट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप भाग की तरफ ज्यादा ध्यान देना। वैसे साहिल टाइप करके भेज रहे वाई, उनको समझ में आ गया है। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि अब हमने किसके बारे में सीखा था, अब आप कहोगे सर हमने गुणा के बारे में सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, गुणा कहाँ करते हैं हम, सबसे पहले तो सवाल ये था कि गुणा कहाँ करते हैं। आपने कहा सर जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, सर जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, जैसे कि सर मैं तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, सर मैं एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहा हूँ, बताइए कितना आंसर आएगा। आपने कहा सर कितनी बार जोड़ रहा हूँ मैं तीन को, आपने कहा सर मैं तीन को जोड़ रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी कि सर मैं तीन को सात बार ना जोड़कर अगर मैं तीन को सात से गुणा कर दूं तो सर तीन सत्य 21 होता है, यानी कि सर इसका जोड़ कितना हो जाएगा 21। आप कहोगे सर सर जहाँ एक ही संख्या को, जहाँ एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो सर वहां पर हम जोड़ने की जगह क्या कर देते हैं, सर वहां पर हम गुणा कर देते हैं, यानी कि जिस संख्या को जितनी बार जोड़ा गया गुणा कर। ठीक है बच्चे चलिए, पहले तो हमें ये याद रखना है। दूसरा हमें क्या याद रखना है, दूसरा हमें ये याद रखना है कि सर अगर हमारे पास में कोई एक ही संख्या का गुणा आ जाए, जैसे कि आपसे कोई कहे कि बताइए 312 की गुणा कीजिए 6 के अंदर, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे सर 312 की गुणा करनी है 6 के अंदर, तो सर 6 दुनी 12, सर 12 का दो लिखा एक हासिल, सर 6 कम 6 और 1 7, और सर 6 तिया 18 कितना हो गया 1872। इतना सभी बच्चों को क्लियर होगा, बट आप सभी को ध्यान कहाँ देखना है, देखिए जब आपको किसी संख्या को सिर्फ एक ही संख्या से गुणा करना हो तो आप उसको ऐसे ना भी लिखोगे तब भी गुणा हो जाएगा, अगर आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे तब भी गुणा हो जाएगा। कैसे, आप डायरेक्ट कर सकते हो सर 6 दुनी 12, सर 12 का 2 एक हासिल लगा, सर 6 कम 6 और 1 7, सर 6 तिया 18 कितना हो गया हमारे पास 1872 कितना हो गया हमारे पास 1872। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसमें एक अंकों वाली संख्या से गुणा करनी है, जैसे कहीं लिख दिया जाए कि भाई 542 है, 542 की गुणा 8 में करो, आप क्या करोगे सर 8 दुनी 16, सर 16 का 6 हासिल लगा 1, सर 8 चौक 32, सर 32 और 1 33, सर 33 का 3 हासिल लगा 3, सर 8 पंजे 40 और 40 और 3 43, यानी कि 4336 4336। ठीक है बच्चे चलिए, अब हमें और क्या याद रखना है, सर हमें और ये याद रखना है कि सर अगर किसी संख्या की गुणा किसी दूसरी संख्या से की जाए, सर 2 गुणा 4 कितना होता है, चैट सेक्शन में भेजिए बच्चे 2 गुणा 4 कितना होता है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे 2 गुणा 4 कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। अच्छा सभी बच्चे बताएंगे 4 गुणा 2 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे 4 गुणा 2 कितना होता है, 4 गुणा 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 4 गुणा 2 भी 8 होता है, यानी कि सर अगर 2 की गुणा 4 में की जाए चाहे 4 की गुणा 2 में की जाए सर एक ही बात है, यानी कि सर ए की गुणा बी में की जाए चाहे सर बी की गुणा ए में की जाए सर एक ही बात है कि नहीं बच्चे, एक ही बात है। आप लिख सकते हो कि सर ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, ठीक है ठीक है निशान। चलिए अब हमें एक चीज और समझनी है बच्चे, क्या चीज समझनी है, सर अगर हम एक ही गुणा जीरो में करें, सर अगर हम एक ही गुणा जीरो में करें तो जीरो आता है, और सर जीरो की गुणा ए में करें तो भी कितना आता है बच्चे हमारे पास में जीरो आता है।
ये आप सभी को लर्न कर लेना है अच्छे से भाई। किसी भी संख्या के गुणा जीरो में की जाए कितना आता है, जीरो। जीरो के साथ किसी भी संख्या को गुणा किया जाए कितना आता है, जीरो। हमने ये भी लर्न करना है और साथ में हमें ये भी लर्न करना था कि अगर किसी संख्या की गुणा एक के साथ की जाए तो वही संख्या आती है, अगर वन की गुणा किसी संख्या के साथ की जाए तब भी वही संख्या आती है। ये सब कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। क्या आप सभी बच्चों को इतना याद है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, बताइए एक बार। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें गुणा में दो चीजें और याद रखनी है। बच्चे क्या चीजें याद रखनी है, दो चीजें। देखिए भाई, एक तो आपको ये चीज याद रखनी है भाई, एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर गुणा का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन कराया गया था कि एक क्यारी के अंदर भाई, अगर आपसे कहा जाए कि एक क्यारी के अंदर कितने फूल हैं, आप कहोगे सर एक क्यारी के अंदर 7 फूल हैं। और हमारे पास में कितनी क्यारियां हैं भाई, हमारे पास में कितनी क्यारियां हैं, आप कहोगे सर अगर हमारे पास में क्यारियों की संख्या दे दी जाए कि हमारे पास में 15 क्यारियां हैं। भाई एक क्यारी के अंदर कितने फूल हैं, 7। हमारे पास में कितनी क्यारियां हैं, 15। यानी कि एक क्यारी के अंदर 7 फूल, 1 2 3 4 5 6 7। सर दूसरी क्यारी के अंदर 7 फूल, 1 2 3 4 5 6 7। सर तीसरी क्यारी के अंदर कितने फूल, 7 फूल। आपके पास में कितनी क्यारी है, 15। अगर आपसे पूछा जाए कि बताए आपके पास में टोटल कितने फूल हैं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मुझे 7 को, 7 7 7, सर मुझे 7 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 15 बार। और हम जानते हैं कि सर अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो सर वहां पर हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी कि सर हम 7 को बार बार जोड़ रहे हैं कितनी बार, 15 बार। और 15 सत्ते कितने होते हैं सर, 105। कि सर हमारे पास में टोटल कितने फूल हैं, आप कहोगे सर कुल फूल है 105। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो जल्दी से सही बच्चे। ठीक है, यानी कि इतनी सारी चीजें हमें क्लियर थी, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। देखिए अब हम आपसे एक पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं गुणा के ऊपर, और सभी बच्चे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है कि वजह क्या होती है चैट सेक्शन बंद करने की, कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको पोल सेक्शन के अंदर आंसर करो। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करेगा, पहले आप समझ लीजिए क्या चीज है। देखिए आपको बोला गया है किसी कक्षा में, यानी कि एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, 324 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 324। मान लेते हैं एक बड़ी सी क्लास है, मान लेते हैं एक बड़ी सी क्लास है, और इस बड़ी सी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कहोगे सर इस बड़ी सी क्लास में 324 बच्चे। कितने, 324 बच्चे। यदि प्रत्येक बच्चे के पास में 15 किताबें हो, और हर बच्चे के पास में कितनी किताब है, 15। यानी कि सर ये पहला बच्चा है, इसके पास में 15 किताब। सर ये दूसरा बच्चा है, इसके पास में 15 किताब। सर ये तीसरा बच्चा है, इसके पास में 15 किताब। सर हमारे पास में क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कहोगे सर हमारे पास में क्लास में 324 बच्चे हैं, और सभी के पास में 15-15 किताबें हैं। तो बताओ किताबों की कुल संख्या कितनी होगी, तो बताओ किताबों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि आप कहोगे सर हर बच्चे के पास में 15 किताब है, 15 + 15 = 30, 15 = 45। सर ऐसे करके हम कब तक जोड़ें, ऐसे करके हम कब तक जोड़ें। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो आप क्या करें, जल्दी से अपने क्वेश्चन को सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया सवाल तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, सब बच्चे सोल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। अगर अनिल ने क्लास ज्वाइन कर लिया बच्चे तो अपनी कॉपी दिखा सकता है कोई भी बच्चा, कि सर हम ऐसा कर रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो वो अपनी कॉपी चेक करा सकता है कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखना सही कर रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, हम राहुल सिंह के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं कि जो बच्चे राहुल सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन किए, ठीक है बच्चे इनका ठीक है। और अभी हम सुनील शर्मा के नाम से देख पा रहे हैं, बच्चे थोड़ा ऊपर करो, बच्चे आपने तो बिल्कुल नीचे किया हुआ है, थोड़ा ऊपर करो। ठीक है बच्चे, सुनील शर्मा के नाम से देख लिया, सौरभ के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, बच्चे फोकस कीजिए। ठीक है, निकिता शर्मा आप बच्चे कॉपी दिखाइए। ठीक है बच्चे, ठीक है निकिता शर्मा, ठीक है। सुमन के नाम से देख पा रहे हम, ठीक है, और मनीष रानी के नाम से,
मनीषा रानी। बच्चे आंसर दिखाओ, ऊपर करो थोड़ा सा कैमरा, आंसर नहीं दिख रहा है बच्चे, ऊपर करो पेज को ऊपर करो। मनीषा रानी, बच्चे नहीं दिख रहा है आपका आंसर, नहीं दिख रहा है, बस आपका सवाल दिख रहा है। आप पेज को ना ऊपर करो, ऊपर का मतलब है ऐसे करो ऊपर की तरफ। हाँ अब ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए हमने अभी तक जितने बच्चों की कॉपी देखी है अभी तक उतने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, यानी कि बच्चों ने सोल्व तो कर लिया है पर आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया। अभी सभी बच्चे अपना कैमरा और माइक बंद कर सकते हैं। तो अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तीन डॉट के ऊपर क्लिक करोगे। भाई तीन डॉट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास में एक ऑप्शन खुलकर आएगा जिसमें लिखा होगा सबसे नीचे एक्टिविटीज। अगर किसी का फोन हिंदी में होगा तो उसमें लिखा आएगा गतिविधियां। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वन एक्टिव पोल, लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ए बी सी डी। तो आपको जो भी ऑप्शन लगता है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्लिक करने के बाद भी बच्चे नीचे वोट लिखा आएगा, आपको उसको भी दबाना है ताकि वहां लिखा जाए वोटेड, ठीक है। चलिए तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी हम क्या कर देते हैं आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। चलिए बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, मनीषा रानी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे देखिए अगर आपके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, बट अभी जितने बच्चे क्लास में हैं अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया, कुछ बच्चे को चैट सेक्शन में करना चाहिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता। चलिए अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा कि सर इस सवाल को मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे, कोई भी बच्चा। अच्छा पहले हमें बताइए किसी बच्चे का ऐसा जो कहता है कि सर ऑप्शन डी सही है, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सर ऑप्शन डी सही है मेरा? नो सर। नो सर। नहीं बच्चे ऐसा तो नहीं हो सकता, बताइए भाई, कोई बच्चा तो बताएगा ना कि उसने डी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। भाई कुछ वोट किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। पूनम कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप बताइए आप कौन सा आंसर सही बताते हो बच्चे? सर डी। डी सही बताते हो ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चे की? मतलब हमें मतलब बोलना भी है, हमें अपने आप को बताना भी है कि सर मेरा डी सही आ रहा था। बच्चे बताओ आपने कैसे किया था? पूनम कश्यप के नाम से क्लास ज्वाइन की, बच्चे बताइए आपने क्या किया था सवाल के अंदर? सर 324 और 15 गुणा किया है। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर हर एक बच्चे, यानी कि सर हमारे पास में 324 बच्चे हैं। सर पहले बच्चे के पास में सर 15 किताबें, सर दूसरे बच्चे के पास में फिर से 15 किताबें, सर तीसरे बच्चे के पास में फिर से 15 किताबें। अगर हम तीन ही बच्चों का देखें सर, बच्चे बच्चों को और किताबों को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। वही चीज हम समझा रहे थे कि देखो अगर देखा जाए तो भाई एक बच्चे के पास में 15 किताबें, अगर हमसे पूछे तीन बच्चों के पास में कितनी किताबें, आप कहोगे सर 15 + 15 + 15, यानी कि सर हमने 15 को 3 बार जोड़ा, यानी कि सर 15 को 3 से गुणा कर दिया तो 45 किताबें होंगी। पर सर हमारे पास में तीन बच्चे नहीं है ना, बच्चे कितने हमारे पास में? आप कहोगे सर बच्चे तो बहुत ज्यादा है 324 बच्चे हैं, तो सर हम क्या करें, तो हम 15 की गुणा कितने में कर दें, 324 में, क्योंकि एक बच्चे के पास में जितनी किताबें हैं हम उसको कितने से गुणा कर रहे हैं, जितने बच्चे हमारे पास में। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, ठीक है दीपक बच्चे, मनीषा रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनको हम पहचानते हैं, दीपक ग्रीन का नाम है। ठीक है बच्चे, देखिए आपने कहा सर मैं 324 की गुणा 15 में कर दूंगा, जब आप 15 में गुणा करोगे तो बच्चे कैसे गुणा करोगे, आप कहोगे सर मैंने लिखा 15 और मैंने क्या गुणा, सर 5 चौक 20, सर 20 का 0 लिखा, सर मैंने 2 हासिल लगाया, सर 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का सर 2 लिखा, हासिल 1 लगाया, सर 3 पंजे 15, 15 और 1 कितना हो गया सर मेरे पास में हो गया 16, गुणा का निशान लगाया। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे 1 से गुणा, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे 1 से गुणा, और आप जानते हो 1 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाता है वही संख्या आ जाती है। बताया था हमने आपको, क्या बताया था कि सर a गुणा 1 या फिर 1 गुणा a बराबर कितना होता है a। ठीक है बच्चे, आपने कहा सर 1 की गुणा 4 में करी, 1 चौक 4, 1 दूनी 2, 1 3 सर जोड़ा तो कितना हो गया,
सर 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, आंसर आ गया 4860। और आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है, 4460। बच्चे पूनम कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे देखना आपने कहाँ गलती की है। आप नोटबुक दिखा सकते हो अपनी अपनी एक बार, अगर आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो एक बार, अपनी नोटबुक दिखाएं, बता देंगे कि आपने कहाँ गलती की। ठीक है बच्चे, दिखाएं एक बार नोटबुक अगर दिखा पाते हो तो। बुआ के घर नोटबुक घर है। कोई बात नहीं बच्चे, बुआ के घर पर है तो क्या करें, आप अपने बुआ के बच्चे की कोई पुरानी नोटबुक ले लो, उसके पीछे आप अपने क्वेश्चंस को हल करके सही आंसर मार्क करना बच्चे, ठीक है। चलिए सर, और वैसे भी आपको आज नोट्स बनाने, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले, और लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगली क्लास में हम भाग के बारे में सीखेंगे, तो बच्चे आपको कॉपी पहले ही लेकर बैठनी चाहिए। देखिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, सर इतना तो हमें पता लग गया कि इसका आंसर है 4860, 4860 इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चे पूनम, चलिए देखिए आज से बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे डिविजन भाग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सभी बच्चों को समझ में आएगा ये चीज, हम बता देते हैं सभी को। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो संख्या, एक संख्या को हमने ए मान लिया और एक को हमने बी मान लिया, और आप क्या कर रहे हो, यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बी में, किसमें भाग कर रहे हैं, बी में, किससे भाग कर रहे हैं ए से, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं बताइए, कोई बच्चा बताएगा चैट सेक्शन में लिख के या फिर माइक ओपन करके बताइए। अगर हमारे पास में दो संख्या है और हम बी में ए से भाग कर रहे हैं तो हम उसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए आप कहोगे हाँ सर, सर एक तो भाग का निशान होता है कि सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर बी में भाग कर रहे हैं ए से। ठीक है बच्चे, क्या कर रहे हैं, हम बी में भाग कर रहे हैं ए से, या फिर सर हम ऐसे लिख सकते हैं बी बटा ए, सर इसका भी मतलब होता है कि हम बी में क्या कर रहे हैं, ए से भाग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे हाँ सर, यदि दो संख्या हमारे पास में ए और बी है और यदि हम बी में ए से भाग कर रहे हैं तो सर या तो हम उसे लिख सकते हैं बी बटा ए, यानी कि हम बी में ए से भाग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बी बटा ए, या फिर सर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे बच्चे, कि सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से, या फिर आप कहोगे सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो एक बार वाई टाइप करो कि सर हमें अगर बी में ए से भाग करना है तो सर हम उसे तीन प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से, तीन प्रकार से, कि सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से बी बटा ए, सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से बी भाग ए, और सर हम बी में भाग कर रहे हैं ए से तो बी भाग ए। ठीक है बच्चे, चलिए हाँ हम साहिल को फिर से बोल देते हैं, साहिल आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो बच्चे आपको यहाँ से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, आप अच्छे से क्लास को पढ़ना, अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो या फिर आप चैट सेक्शन के अंदर एंड टाइप करके भेज देना, हम समझ जाएंगे कि आपको कोई डाउट है। ठीक है देखिए, अब हमने इतना समझ लिया कि सर हम भाग को तीन तरीके से दर्शा सकते हैं, कैसे, कि सर अगर हमें बी में भाग करना है ऐसे तो बी बटा ए, या फिर सर हमने बी में भाग किया ए से, या फिर सर हमने बी में भाग किया ए से। ठीक है, ये तीन तरीके से हम दर्शा सकते हैं। देखिए ये आपके सामने आ गया कि सर हम बी इसको लिख सकते हैं बी भाग ए, यानी बी बटा ए, बी भाग ए, या फिर हमने बी के अंदर भाग दिया ए से। अब आपको याद क्या करना है बच्चे, आपको याद ये करना है कि सर जैसे कि हम बी के अंदर भाग दे रहे ए से, या फिर सर बी के अंदर भाग दे रहे ए से, या फिर सर बी के अंदर भाग दे रहे ए से, तो ए कौन है, आपसे अगर पूछा जाए ए कौन है तो आप कहोगे सर ए भाजक है। ए कौन है, आप कहोगे सर ए भाजक है, क्योंकि आप ए से भाग कर रहे हो। और आप कहोगे सर मैं जिस संख्या के अंदर भाग कर रहा हूं, सर मैं जिस संख्या के अंदर भाग कर रहा हूं सर मैं इसको भाज्य कहूंगा, क्या कहूंगा सर मैं इसको भाज्य कहूंगा। कहते समझ में आ गए कि सर ए को मैं भाजक कहूंगा, ये नाम है बच्चे, याद करना ही पड़ेगा कि आप मान लो 12 के अंदर भाग कर रहे हो 5 से, अगर आपसे पूछा जाए 5 कौन, आप कहोगे सर 5 भाजक है, 5 कौन सर 5 भाजक है। आपसे पूछा जाए 12 कौन, आप कहोगे सर 12 कौन है, 12 भाज्य है। ठीक है बच्चे, कहते क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हो कि सर जिस संख्या से हम भाग करते हैं सर उसे तो हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और सर जिस संख्या को भाग करते हैं सर उसे हम भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोलते हैं। कहते हैं सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अब हम भाग करना सीख लेते हैं कि सर भाग कैसे करते हैं। अब देखो सभी बच्चों को ध्यान देना है, आपके सामने उदाहरण नंबर एक है, हम उदाहरण लेकर चलेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे उदाहरण में, आपको भाग समझ में आ जाएंगे। बट भाग करने से पहले हमें ये बताओ कि सर अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं 575 में, सर अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं
575 में। तो आप हमें बताइए कि इसमें भाजक कौन है, बताइए भाजक कौन है, लिखकर भेजिए चैट सेक्शन में या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि इसमें भाजक कौन है। ठीक है, सुनील शर्मा के नाम से आंसर आ गया, राहुल सिंह के नाम से आंसर आ गया, समझ नहीं आया बच्चे? 8 है सर। 8 है, ठीक है बच्चे माइक बंद कर लीजिए। यानी कि आप कहोगे सर इसमें भाजक कौन, 8। और अगर आपसे पूछा जाए भाज्य कौन, तो आप कहोगे सर भाग कितने में कर रहे हैं, 575 में कर रहे हैं, इस वजह से भाज्य कौन हो गए, 575 हो गए। अब देखो भाग का एक नियम होता है, भाग का एक नियम होता है, सर बच्चे ध्यान से सीखेंगे, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज तक आपके मन में बहुत सारे डाउट रहे होंगे, वो सारे एक ही बार में डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कितने अंकों की संख्या है, आपने कहा सर ये 1 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले हम एक ही अंक में इसको भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक ही अंक को देखा जाए 5 है, आप कहोगे सर जो 5 है वो 8 से छोटा है, जो 5 है वो 8 से छोटा है, सर इसके अंदर भाग नहीं हो सकता, सर इसके अंदर भाग नहीं हो सकता, क्योंकि या तो हमारे पास में संख्या इसके बराबर हो, यानी कि हम भाग कर सकते हैं 8 से 8 में, या फिर 8 से बड़ी संख्या में, या फिर 8 से बड़ी संख्या में, यानी कि भाग करने के लिए जो संख्या होना चाहिए वो 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में 8 या 8 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 है, अब इस केस में आप क्या करोगे, तो क्या आप भाग ही नहीं करोगे? अब आप कहोगे सर मैं एक संख्या में भाग नहीं करूंगा, क्योंकि एक संख्या में भाग नहीं कर सकता सर, मैं दो संख्याओं में भाग करूंगा, मैं दो संख्याओं में भाग करूंगा। 8 का पहाड़ा सभी को आता होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64, आप कहोगे सर 8 निम 72 और 8 धाम 80। ये देखो 8 का पहाड़ा है, अब आपको सारे पहाड़े आने चाहिए जिससे भी आपको भाग करना है। अब आपने कहा सर मुझे 8 से 56 में भाग, 57 में भाग करना है, भाई आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो या तो इसके बराबर हो या फिर इसके बिल्कुल पास में हो और छोटी हो, बिल्कुल पास में हो और छोटी हो, इससे बड़ी ना हो। आप गए 8 के पहाड़े में, आपने कहा सर मुझे इसके पास में कौन मिला, सर मुझे इसके पास में 56 भी मिला और सर मुझे 64 भी मिला, भाई जो इसके पास में वो 56 भी है 64 भी है। आप कहोगे सर मुझे बड़ी नहीं चाहिए, यानी कि सर मुझे 64 नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या को मैं घटा नहीं सकता। तो आपने कहा सर 8 सत्ते कितना हो गया, आपने कहा सर 8 सत्ते हो गया 56, 56 जब आपने घटाया तो 1 बचा, और आपने ऊपर से कितना उतार लिया, आपने ऊपर से 5 उतार लिया। अब 8 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है, आपने कहा सर 15 नहीं आता, 16 आता है, तो बच्चे 16 तो ज्यादा है, यानी कि फिर आपने करा 8 एकम 8, 8 एकम 8 चलाया, घटाया कितना बचा, 7। अब देखो आप कुछ चीजों को जानते हो, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए भाजक कौन, भाई अगर आपसे पूछा जाए भाजक कौन, आप कहोगे सर 8 तो भाजक है। ठीक है बच्चे, अब आपसे पूछा जाए भाज्य कौन, अब आप कहोगे सर 575 भाज्य है, 575 क्या है सर हमारे पास में, भाज्य है। सर ये 71 क्या आ गया है, 71 आ गया बच्चे भागफल, 71 क्या आ गया बच्चे भागफल, याद करना है सभी को, क्या करना है ये याद करना है कि किसको हम क्या कहते हैं। और अगर देखा जाए सर 7, 7 को क्या कहेंगे, 7 को हम कहेंगे शेषफल, 7 को हम क्या कहेंगे बच्चे शेषफल कहेंगे। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर भाग के अंदर 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है बच्चे, ये भागफल कहलाता है और ये वाला पार्ट शेषफल कहलाता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जब आप भाग करोगे तो भाजक कौन कहलाएगा, 8, या आपका 71 यानी कि 71 क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा, ये 575 क्या कहलाएगा आपका, ये भाज्य कहलाएगा डिविडेंड, और जो 7 बच गया ये क्या कहलाएगा आपका, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी बच्चे, अपने नोट्स में लिख लेना। अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज यहाँ दिखाई दे रही है कि सर जो भाज्य होता है ना, सर जो भाज्य होता है यानी कि हम जिस संख्या के अंदर भाग कर रहे होते हैं सर, वो कैसे बनता है, यानी कि अगर हम भाजक को गुणा कर दें भागफल से और जो भी संख्या है उसके अंदर शेषफल को जोड़ दें तो सर हमारा भाज्य बन जाता है। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया कैसे, देखिए छोटी सी बात है भाई, अगर आप क्या कर रहे हो, आप 332 के अंदर भाग कर रहे हो, 322 लेते हैं, आप 322 के अंदर भाग कर रहे हो, कितने से भाग कर रहे हो बच्चे, आप 5 से भाग कर रहे हो, कितने से भाग कर रहे हो, 5 से। चलो छोटी संख्या कर लेते हैं कि बच्चा आप क्या कर रहे हो, 31 के अंदर भाग कर रहे हो और कितने से भाग कर रहे हो, आप 4 से भाग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, 4 का पहाड़ा आएगा, 4 सत्ते 28, आपने कहा सर ये 1 अंकों की संख्या है और 1 अंक में भाग नहीं कर रही क्योंकि 3 छोटा है,
तो हमने क्या किया सर, हमने दो अंकों में एक साथ भाग किया, और हम जानते हैं सर चार सत्ते कितना होता है, 28 होता है। तो आपने कहा चार सत्ते 28, सर मेरे पास कितना बच गया, 3 बच गया। यानी कि आप कह रहे हो सर ये कौन भाजक, ये कौन भाजक, ये कौन भाज्य, ये कौन भाज्य, सर ये कौन भागफल, और सर ये कौन शेषफल। तो बच्चे आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है सभी बच्चों को कि क्या याद करना है, क्या लर्न करना है कि जो हमारा भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, कि सर जो हमारा भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है। आप कहोगे कि सर भाजक गुणा भागफल, सर जो भी चीज आएगी उसके अंदर मैं शेषफल को जोड़ दूंगा, प्लस शेषफल। जैसा कि आप देख पा रहे हो भाज्य कौन, आप कहोगे सर भाज्य 31 है, भाजक कौन 4, सर भागफल कितना 7, और सर शेषफल कितना 3। आप कहोगे सर 7 चौक 28, और सर 28 के अंदर 3 जोड़ा तो कितना हो गया 31, और सर ये हमारे भाज्य के बराबर। कहते हो सभी बच्चों को क्लियर है, कहते हो सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। यानी कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है कि सर भाग करते वक्त हमें याद रखना है कि सर जिससे भाग करते हैं भाजक कहलाता है, सर जिस संख्या में भाग करते हैं भाज्य कहलाता है, सर जो नंबर यहां पर लिखा जाता है सर उसको हम भागफल कह देते हैं, और जो सर नीचे बच जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, शेषफल कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो भाग करने के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जैसा कि हम इसके अंदर सीखेंगे, आपको क्या करना है 2436 को भाग करना है 12 से। अब आप कहोगे सर 12 कितने अंकों की संख्या है, सर 12 दो अंकों की संख्या है, आपने दो अंकों की संख्या ली 24। आप कहोगे सर जो 24 है वो 12 से बड़ा है, यानी कि हम 24 के अंदर भाग कर सकते हैं। जब हम 24 के अंदर भाग कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, आप कहोगे सर 12 का पहाड़ा आना चाहिए, 12 का पहाड़ा लिख देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि सर इस भाग को कैसे करेंगे, बताइए कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए। अच्छा आप सब बच्चे कॉपी पे कीजिए, हम कॉपी चेक करेंगे जल्दी से, जिसका हो जाए वो बच्चा माइक ओपन करके कहना सर मेरा हो गया कॉपी। होगा जी, ठीक है। शीशपाल के, शीशपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, दिखाई बच्चे कॉपी। बच्चे भी कैमरा ऑन नहीं हो पाया आपका, कॉपी में कौन करे जी, क्या चीज बच्चे कॉपी नहीं लेकर आए आप, मैं बता दिया जी आपने जी भाग करके जी। बताइए कैसे भाग करेंगे, आप बोर्ड पे कराना चाहते हो, बताइए बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए, बताइए क्या क्या लिखे हम इसमें। 24 है जी, 12 दुनी तो 24 है जी, ठीक है 12 दुनी 24, घटा दें ऊपर से उतारा 3, अब बताइए क्या करें बच्चे, 203 आएगा जी, 203 आएगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा कहेगा सर 3 में तो भाग नहीं जा सकता, सर मैंने 6 उतार लिया और 12 3 36, कितने बच्चे कहते हैं कि ये सही है, बताइए बच्चे माइक बंद कीजिए, बच्चे माइक बंद कीजिए एक बार, सर बच्चे माइक बंद रखेंगे। अब ये बताइए कितने बच्चे कहते हैं कि सर ये सही है जो आपने किया है, माइक ओपन करके बोलेंगे, ठीक है सर बताइए, ठीक है। सुमन के नाम से बच्ची बोल रही है कि ठीक है, और कोई बच्चा बोलना चाहता है कि ये सही है, सर सही है यो, सही है ना, ठीक है। निकिता शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो भी कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। बाकी साहिल आप बच्चे क्यों बोल रहे हैं ये गलत है, साहिल बताएंगे ये क्यों गलत है, क्योंकि सौरभ भी कह रहे हैं सही है। साहिल अपना माइक ओपन करके बताइए क्यों क्यों गलत है बच्चे। देखो बहुत सारे बच्चे आनंद के नाम से, यानी कि अनिल भी कह रहा है सही है, सुनील के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया पारस, यानी कि वो भी कह रहे हैं सही है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सही है। तो जो बच्चा ये कह रहा है कि गलत है वो अपना माइक ओपन करके बताओ कितना आएगा। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे, बच्चे हम बता देते हैं गलत है, हम कह देते हैं गलत है, अब आपको सही सीखना है सही क्या है। देखिए अब बच्चे यहीं पर सीखेंगे और आपको ये सारा अगली अगली चीजों में अप्लाई करना है। देखिए आपने कहा सर ये तो कट गया पूरा का पूरा, सर हम ऊपर से उतारेंगे एक संख्या 3, सर आपने इतना तो कहा कि सर 12 एकम 12 होते हैं, आपने कहा सर 12 दुनी 24 होते हैं,
आपने कहा सर 12 तिया 36 होते हैं, भाई 12 तिया कितने होते हैं, आपने कहा सर 36 होते हैं, लेकिन पर सर आपने ये नहीं बताया कि अगर 12 को 0 से गुणा करेंगे तो सर 0 आएगा, क्योंकि आपने सीखा था किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करो तो 0 ही आता है। तो बच्चे हम ऊपर से हमेशा एक ही संख्या उतारते हैं, और ऊपर से जब उतारी गई संख्या 3 है तो आप कहोगे सर 12 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, लेकिन पर सर 12 0 जा कितना होता है, आपने कहा सर 12 0 जा कितना होता है 0, और आपने इसको घटाया तो कितना बचा 3, और अब आपने कितना उतारा 6 उतारा, कितना उतारा 6, और आप कहोगे 12 तिया कितने होते हैं 36, यानी कि आपने कहा सर 12 तिया 36, और ये कट गया तो कितना आ गया 0, यानी कि आप कहोगे सर भाजक कितना 12, भाई आप कहोगे सर भाजक कितना, आपने कहा सर 12, भाज्य कितना, आप कहोगे सर भाज्य हमारे पास में 2436, और अगर आपसे पूछा जाए भागफल कितना, आप कहोगे सर भागफल है हमारे पास में 203, और अगर आप पूछा जाए शेषफल कितना, तो आप कहोगे सर शेषफल इसके अंदर 0, शेषफल कितना है बच्चे, सर शेषफल इसके अंदर 0, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ, यानी कि आप ऊपर से हमेशा एक संख्या उतारते हो, अगर उस संख्या में भाग हो गया तो ठीक, और अगर भाग नहीं हुआ तो आप कहोगे सर मैं 0 टाइम चलाऊंगा, और घटाने के बाद जब जाकर मैं सर दूसरी संख्या उतारूंगा, और सर 12 तिया कितने हो गए 36, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ, अगर इतना सभी बच्चे को क्लियर है, हाँ तो बच्चे हमें एक चीज बताइए, हमें एक चीज बताइए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, अगर आपसे कोई ये कहे कि 1243 को 243 को भाई 243 को भाग करो 12 से, बच्चे बताइए कितना आएगा, जब आप 243 को भाग करोगे 12 से तो कितना आएगा, कॉपी दिखा सकता है कोई बच्चा तो कॉपी दिखा देना, बोर्ड पे कोई सॉल्व कराना चाहता है तो बोर्ड पे सॉल्व करा देना, बताइए भाई 243 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा, कोई बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है, अनिल, पारस, सचिन, कोई भी बच्चा, बोलिए भाई, शीशपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो अपनी कॉपी दिखाना चाहेंगे तो बताइए एक बार, अच्छा इसका आंसर कितना आएगा बताइए, ठीक है, सुमन अपनी कॉपी दिखा रही है, हम सुमन की कॉपी देख पा रहे हैं, एक सेकंड सुमन फोकस ऐसी बनाए रखना, बच्चे ऐसी रोको जहां भी है ऐसी रोको दो एक सेकंड के लिए, 12 दूनी 24, ठीक है बच्चे, क्या बच्चा और कोई अपनी कॉपी दिखाना चाहता है, कोई बच्चा, ठीक है सुमन आपका ठीक है, जिस बच्चे ने सुमन के नाम से क्लास ज्वाइन की है, कोई और बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है, सुनील शर्मा के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं, बच्चे ऐसी फोकस बनाए रखना, ठीक है बच्चे, बाकी और कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहता है, ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक संख्या, ये कितने संख्या है, आप कहोगे सर दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या में हमने देखा सर 24 में भाग चला जाएगा, सर 12 दुनी 24, आप कहोगे सर 12 दुनी 24, और ये कट गया, क्या कोई बच्चा कहेगा कि सर इतना ही है, कोई बच्चा कहेगा सर हमारे पास में भागफल 2 आएगा, कोई बच्चा कहेगा कि सर भागफल 2 आएगा और शेषफल 3 आएगा, कोई बच्चा बोलेगा, देखिए ऊपर से उतारी गई संख्या कभी भी शेषफल नहीं बनती, ऊपर से उतारी गई संख्या कभी भी शेषफल नहीं बनती, आप कहोगे सर मैंने ऊपर से 3 उतारा है, तो जो भी संख्या ऊपर से आप उतारोगे उसके अंदर भाग जरूर करोगे, फिर आप कैसे भाग करोगे, आप ऐसे भाग करोगे सर 12 0 जा 0 और घटाया तो सर अब मेरे पास में 3 कौन बचा है, शेषफल बचा है, आपने कहा सर शेषफल तो 3 ही आएगा, लेकिन पर सर जो भागफल है वो कितना आएगा मेरे पास में 20 आएगा, कितना आएगा भागफल 20 आएगा, ठीक है बच्चे, अगर आपसे भाजक पूछा जाए यानी कि आप किससे भाग कर रहे हो, आप कहोगे सर 12 से भाग कर रहे हैं, और अगर आपसे भाज्य पूछा जाए यानी कि आप किसको भाग कर रहे हो तो आप क्या कहोगे सर हम 243 को भाग कर रहे हैं, क्या इतना क्लियर है सभी को, अगर एक बार क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है, यानी कितना सही बच्चों को क्लियर है, देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आया है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 4 0 3 6, जब आप इसको 12 से भाग करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए बी सी या डी,
बच्चे जल्दी से बताएंगे, ए बी सी या डी, बताइए। जब आप 24036 को डिवाइड करोगे 12 से, जब आप 24036 को भाग करोगे 12 से, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए बी सी या डी, बताइए बच्चे। सर सी आएगा। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए, शीश पाल के नाम से तो एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दिया। बाकी बच्चे बताइए कितना आएगा, ठीक है। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके कराना चाहेगा सवाल, कि इस सवाल को कैसे करेंगे सर मैं बताऊं? भाई देखो, ऑफलाइन में तो ये होता है कि टीचर आपको चौक देते थे और कह देते बोर्ड पर सोल्व करके दिखा दो, बट यहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, बट आपको मौका जरूर देते हैं कि आप क्या करें, आप ओरल बोल के, जैसे कि अभी सौरभ अपनी कॉपी दिखा रहे हैं और हम सौरभ की कॉपी देख पा रहे हैं। सौरभ बच्चे फोकस कीजिए थोड़ा सा, कैमरा रोक के रखना एक बार, थोड़ा ऊपर करो, मतलब कॉपी को हमें ऊपर वाला, हाँ ऐसे रोको, बस ऐसे रोको। सौरभ आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कैसे करें सवाल को, आपने किया हुआ है ना, बच्चे बताइए कितना लिखें। चलिए अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे सौरभ की बात को, ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे सौरभ की बात को। चलिए हम बता देते हैं, आपने कहा सर 12 से अगर भाग करें, दो अंकों की संख्या है, तो सर 12 दूनी 24, सर भाग हो गया और कट गया, कुछ नहीं बचा। सर आपने कहा ऊपर से हमेशा एक ही संख्या उतारते हैं, सर जीरो उतार लिया, अब क्या करें, यानी कि ऊपर से उतारी गई संख्या के अंदर हम भाग जरूर करेंगे। भाग जरूर करेंगे मतलब क्या है, यानी कि आपने कहा सर 12 से भाग कितने में कर दें, सर 12 जीरो जा जीरो, सर घटा दिया तो ये कट गया, सर ऊपर से मैंने उतारा कितना 3, सर ऊपर से उतारी गई संख्या में जरूर भाग करेंगे, सर फिर से 12 जीरो जा कितना हो गया, आपने कहा सर जीरो, सर मेरे पास में कितना बच गया 3, सर मैंने ऊपर से उतारा 6, कितना हो गया 36, और आप जानते हैं 12 थिया 36, यानी कि आप कहोगे सर मेरे पास में कितना आंसर आ गया है, सर ऑप्शन नंबर सी 2003। यानी कि सर अगर भागफल की बात की जाए तो सर मेरे पास में भागफल कितना है 2003, शेषफल की बात की जाए तो शेषफल कितना है, आप कहोगे सर जीरो, सर भाजक की बात की जाए तो कितना है 12, और सर भाज्य की बात की जाए तो कितना है 24036। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, बताइए इसका आंसर कितना होगा, कि जब आप भाग करोगे 2, 4, 0, 3, 6, 7, 2 के अंदर, तो आंसर बताइए कितना आएगा। भाग कितने से कर रहे हो, 12 से। हम संख्या नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको बार बार किसी और संख्या से भाग करना पड़े, आप इसी संख्या से भाग सीख जाओ। बताइए बच्चे कितना आएगा, चैट सेक्शन के अंदर भेजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है दूसरे बच्चे का आंसर आ गया, तीसरे का आंसर आ गया। चलिए यानी कि अब हम इसको समझा ही देते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपने कहा सर वही 12 दुनी 24 कट गया, सर जीरो, सर आपने कहा कि ऊपर से उतारी गई संख्या को हमेशा भाग करेंगे, सर जब हमने जीरो उतारा तो सर 12 जीरो जा जीरो, सर कट गया, सर हमने कितना उतारा 3 उतारा, ऊपर से उतारी गई संख्या को भाग करेंगे, सर 12 जीरो जा जीरो, सर 3 बचा, सर मैंने ऊपर से उतारा 6, 12 तिया आपने कहा सर 36, कट गया, सर मैंने ऊपर से उतारा कितना, सर मैंने उतारा 7, सर ऊपर से उतारी गई संख्या को जरूर भाग करेंगे, सर 12 जीरो जा जीरो, घटाए तो कितना बचा, आप कहोगे सर घटाए तो मेरे पास में बचा 7, भाई घटाए तो कितना बचा 7, और ऊपर से आपने कितना उतार लिया 2, और आपने कहा सर भाग करेंगे तो 12 6 72, और सर ये कट गया, यानी कि आप कहोगे कितना आ गया भाई 2,306, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी 2। कितना सभी को क्लियर हो गया, अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजें, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है बच्चे, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा आप एक काम करो, जब आप 12 से 12 में भाग करोगे बताइए कितना आएगा, बताइए
बारह से बारह में भाग करोगे कितना आएगा? आपने कहा सर बारह एकम बारह, सर हमारे पास में एक आ जाएगा। यानी कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बारह भाग बारह, सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बारह बटे बारह पहला, दूसरा। और सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने बारह से भाग के बारह, तो बारह एकम बारह सर कट गया। यानी कि आप कहोगे सर बारह से बारह को काटा एक आ गया, सर बारह से बारह के अंदर भाग किया तो कितना आ गया एक आ गया। यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें कि आप किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हो तो आपका आंसर हमेशा एक आता है, क्या ये गलत होगा बताइए? हमेशा लिख सकते हैं ना कि भाई अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हो तो ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, एक और चीज हमें बताएंगे सभी बच्चे, अगर आप समझना, अगर आपसे कहा जाए कि पांच को भाग करो एक से, बताइए कितना आएगा? आपने कहा सर एक पंजे पांच, कट गया सर पांच आ गया। अगर एक से भाग करें सात को, आपने कहा सर एक सत्ते सात, कट गया सर सात आ गया। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को भाग करें एक से, या फिर सर हम किसी भी संख्या को भाग करें एक से, या फिर सर हम किसी भी संख्या को भाग करें एक से, तो सर हमारा क्या आता है आंसर? वही संख्या। ठीक है भाई, एक की गुणा हमने ए में करी तो सर वही आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है बताइए जल्दी से, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए हमें दो छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करनी है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर आपसे कहे कि आप पांच के अंदर जीरो से भाग करो, या फिर अगर आपसे कहे कि पांच से आप जीरो के अंदर भाग करो, बताओ कौन सा सही है? ये पहला है और ये दूसरा है, बताइए कौन सा सही है? भाई आप जीरो से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, आप जीरो से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते। हाँ आप किसी भी संख्या को जीरो से भाग कर सकते हो, पांच जीरो जा जीरो, कट गया सर। अगर हम सर तेरह से भाग करें जीरो को, सर तेरह जीरो जा जीरो, कट गया सर। यानी कि जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। यानी कि अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा अब आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, आपको अपने नोट्स में इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा बच्चे। देखिए कि अगर आप किसी संख्या को स्वयं से भाग करते हैं तो आपको भागफल एक प्राप्त होता है। आपने कहा सर अगर मैं सात से भाग करूंगा सात को तो मेरे पास में एक आ जाएगा, ठीक है बच्चे। दूसरा, सर मैं अगर किसी भी संख्या में ए से एक से भाग करता हूँ, सर मैं किसी भी संख्या में एक से भाग करता हूँ, भाई मैंने अगर सात के अंदर भाग किया एक से तो सर सात आ गया। सर अगर मैंने एक से भाग किया तेरह के अंदर तो सर तेरह आ गया। यानी कि अगर मैं किसी संख्या ए में एक से भाग करता हूं तो सर मेरा भागफल ए ही आता है, ठीक है। सर मैं किसी भी संख्या को अगर मैं जीरो के अंदर भाग करूं किसी भी संख्या से तो सर मेरा भागफल हमेशा कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और सर मैं किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं कर सकता, सर जीरो कभी नीचे नहीं आ सकती, यानी कि मैं किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं कर सकता। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है बताइए? क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? चलिए तो आप लोगों की ये क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी सब चीज हम अगली क्लास में सीखेंगे। अगर इतना आप सभी लोग सीख गए हो, ठीक है बच्चे, तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव करके जा